दिन नई खबर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर दे खबरों के साथ। और देश में मॉनसून कहर बरपा रहा है, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। कहीं हाईवे पर गाड़ियां फंसी दिखी तो कहीं घर डूबते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 34 जिलों में एवरेज से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नर्मदा, शिवना, शिप्रा, ताप्ती, बेतवा और रायसेन की बीना समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। टीकमगढ़ के धसना नदी पर बने बांध सुजारा बांधे पर आपको बता दें कि गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। और वहीं बैतूल के सारणी में सतपुड़ा बांध के 5 गेट जो है खोलने पड़े। देवास जिले के स्टॉप डैम में डूबने की टीआई की मौत हो गई है। और वहीं सागर जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। बड़वानी में राजघाट स्थित पुराने पुल से निर्मित और नर्मदा नदी में खतरे के निशान से ऊपर 5 मीटर ऊपर बह रही है। और वहीं छतरपुर में एमपी यूपी की बॉर्डर पर धंसने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही बांध का 7 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रायपुर और दुर्ग संभाग से लेकर बिलासपुर सरगुजा संभागों में कई जगह भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो देश भर में बारिश कहर बरपा रही है लगातार। आपको बता दें पहाड़ों से लेकर मैदान तक तेज बारिश हो रही है। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वहीं नदी में डूबने से एक टीआई की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। बाढ़, बारिश और बर्बादी, देश भर में तेज बारिश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी पूरा बारिश के पानी से डूब गया है। देश में मानसून कहर बरपा रहा है, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत देखी जा रही है। कहीं हाईवे पर गाड़ियां फंसी देखी तो कहीं घर भी डूब गए हैं। तो आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश में मध्य प्रदेश पूरा पानी पानी हो गया है। पहली तस्वीरों में आप कटनी देख सकते हैं जहां पानी से सड़कें लबालब हो गई हैं। वहीं बालाघाट की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। सिवनी के भी हालात ऐसे ही हैं जहां सड़कों पर ढेर सारा पानी देखा जा रहा है। रीवा की भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जहां पानी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बेहद परेशान हैं। भिंड में मंदिर, भगवान का मंदिर ही पूरा डूब गया है। वहीं नरसिंहपुर से भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। हम आपको बता दें कि 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जो है कटनी से है और जो कि पूरा सड़क जो है लबालब हो रहा है, पानी से पूरा डूबा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं वही बालाघाट की, जो पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन पर्यटन स्थल जो है पानी में पूरा डूबा हुआ है। तो बाढ़ से हालात काफी खराब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 34 जिले जो है एवरेज से ज्यादा बारिश वहां पर हो चुकी है और कई इलाके जो है बारिश में नदी नाले जो है उफान पर चल रहे हैं बारिश से। अगर हम बात कर ले नदियों की तो नर्मदा, शिवना, शिप्रा, ताप्ती, बेतवा और रायसेन के बीना समेत कई नदियां जो है उसमें जलस्तर बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी पूरा पानी से लबालब हो रहा है, पूरे घरों में पानी घुस रहा है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, बाहर निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। और अगर बात कर ले टीकमगढ़ की तो वहां पर धसना नदी पर बने बांध सुजारा बांध का जो गेट है वो खोलना पड़ा क्योंकि भारी बारिश से पानी जो है इकट्ठा होने लगा, जिससे लोगों का आवागमन में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ के कई जिले जो हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है जिससे लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें 12 जिलों से ज्यादा जो है येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये प्रकृति की जो आपदा है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कई राज्य, कई जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। और ज्यादातर अभी जो है यमुना का जल स्तर सबसे ज्यादा हो रहा है, खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है यमुना और लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उनके आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको बयां कर रही है कि बारिश जो है किस तरीके से वहां पर हो रही है, लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको बता दें कि राज्यों के में कई सारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। बताया है कि अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत बारिश होगी, भारी बारिश होगी, इसके बाद इसमें कमी आएगी। पूर्वी भारत की बात करें तो मध्य भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक मानसून जो है वो एक्टिव रहने वाला है। वहीं पश्चिमी राज्यों की बात करें तो 17 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में इसमें कमी दर्ज कराई जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बहुत भारी बारिश होने वाली है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी, जबकि हरियाणा चंडीगढ़ में 2 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश रहने वाली है। वहीं आपको बता दें पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 18 से लेकर 19 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। तो हमारे साथ इसी खबर पर विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो कैसी है? बारिश से वैसे तो देश का हाल बेहाल है, हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। क्या स्थिति है, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी, कब तक इतनी बारिश होने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मानसून की द्रोणिका है वो काफी एक्टिव है और अगले 24 घंटे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। 18 जुलाई से मानसून की जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से मानसून की गतिविधियों के बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मुंगेली, मोहला, मानपुर, कांकेर, गरियाबंद, बलौदाबाजार और बालोद जो उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं वहां पर काफी तेज बारिश होगी इन 2 दिनों में। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया और रायपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। हम देख सकते हैं रायपुर का नजारा, मैं सीधे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, जहां पर कल रात से ही रुक रुक कर जो बारिश है वो लगातार हो रही है और इसकी वजह से मौसम सुहाना तो बना ही हुआ है लेकिन जो निचली बस्ती है वहां पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो झड़ी लगी हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। कल शाम से ही ये स्थिति हम देख पा रहे हैं कि सभी इलाकों में बारिश अच्छी हो रही है और हालांकि इससे फसल को झड़ी से ही लाभ मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश से निचले इलाके हैं शहर के वो डुबान क्षेत्र में आ गए हैं और कई इलाके ऐसे भी हैं शहर के, रामनगर, छोटा रामनगर, गुढ़ियारी, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि निचली बस्तियों के लिए नगर निगम और राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की हुई हैं लेकिन फिर भी परेशानियों का सामना जो स्थानीय लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। जी जी गौरव, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसी बीच भाटापारा से हमारे साथ तुलसी जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुलसी, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, भारी बारिश देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आपदा की ये कहर लोगों के ऊपर बरपा रहे हैं, तो अगर हम भाटापारा की अगर बात करें तो वहां की अभी स्थिति क्या बनी हुई है, मौसम विभाग के द्वारा क्या क्या वहां पर अलर्ट जारी अगर करने की बात करें तो कौन सा अलर्ट अभी जारी किया गया है? तुलसी, आपको हमारे तक आवाज आ पा रही है? जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तुलसी जायसवाल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तुलसी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।